हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग मैं लेकर के आई हूँ वो रीडिंग है कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, किस प्रकार की बातें थी, वो सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। साथ ही साथ हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं जिनसे बातें कर रहे थे उन्होंने क्या कहा, उनके क्या जो है सोच विचार हैं आपके इस रिलेशनशिप के लिए, या आपके पार्टनर को सुनकर आपके पार्टनर ने क्या रिप्लाई दिया, आपके पार्टनर के दोस्त ने क्या रिप्लाई दिया, वो सारी चीज़ें हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे। काफ़ी डिटेल में हम लोग सारी चीज़ें जानेंगे, ठीक है? तो यस, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। एंड ध्यान बस इतना रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइम बेस्ड रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है? और आप लोग रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, क्योंकि आप लोग रीडिंग देख रहे हैं बट शेयर नहीं कर रहे हैं। सो शेयर भी कीजिए, काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे, डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। ओके डिवाइन, हमें प्लीज गाइड करें। ओके कार्ड्स निकालते हैं हम, डिवाइन हमें प्लीज गाइड करें। ओके ओके ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके डिवाइन हमें प्लीज गाइड करें। ओके फाइव ऑफ कप्स, क्या बातें हुई आज शाम। ओके जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक है द मून की एनर्जी। ओके साइन बता दूं आपको, साइन है मेरे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जेमिनी खास तौर से है यहाँ पे, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, ठीक है? तो आप लोग सारे एलिमेंट्स, सारे साइन अवेलेबल है यहाँ पे। किसी ने यहाँ पे रेड कलर का ड्रेस वियर किया हुआ है वैसे लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, जिन्होंने रेड कलर का ड्रेस वियर किया हुआ है, सिर्फ ड्रेस, ठीक है? किसी किसी ने पायल यहाँ पे वियर किया हुआ है, वो लोग भी ध्यान दीजिएगा, पायल, ठीक है? बात करते हैं कार्ड्स की, कार्ड्स क्या बताते हैं। कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं सबसे पहले तो कि ये पर्सन जिससे बातें कर रहे हैं उसके बारे में मैं बता रही हूँ आपको, उन सारी चीज़ों के बारे में बता रही हूँ जो बातें हो रही थी। आपके पार्टनर सबसे पहले बात करते हुए दिख रहे हैं कि मेरे मन में ना एक डर बैठा हुआ है, मेरे मन में एक ऐसा डर बैठा हुआ है जिसे मैं चाह के भी नहीं निकाल पा रहा, मैं चाह के भी उस डर को ख़त्म नहीं कर पा रहा अपने दिल से, दिमाग से, अपने दिल से मैं निकाल ही नहीं पा रहा, समझो। तो मुझे इतना डर लग रहा है, मैं इतना ज़्यादा पेन में हूँ, मैं इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। अंदर से बहुत खामोशी फील होती है, अंदर से बहुत उदासी फील होती है, अंदर से लगता है जैसे कि वो है भी और नहीं भी है, क्या कहूँ मैं। मेरे मन में जितनी तकलीफ़ है ना, मैं तुमसे क्या कहूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें मैं कह सकता हूँ, पूरी चीज़ें तो नहीं कह सकता, जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें कह रहा हूँ वो बड़े ही ध्यान से सुनना अगर तुम सुन सकते हो तो, क्योंकि जो मैं तुमसे कह रहा हूँ ना वो तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। तुम्हें पता है मैं अपने आप में कितना अकेला हो गया हूँ, तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं अकेलेपन में, खालीपन में कितना ज़्यादा रोता हूँ, कितनी तकलीफ़ में जाता हूँ, कितना दर्द में जाता हूँ। मैं सच बता दूंगा तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा,
जो चीज़ें मैंने बर्दाश्त करी हैं या जिस तरीके से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ ना, वो चीज़ें तुमसे बर्दाश्त नहीं होंगी, सच में नहीं होंगी। तुमसे बर्दाश्त कैसे होंगी? क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, तुम्हारे से क्या होगा? मैं बहुत ज़्यादा अंदर से डिस्टर्ब हूँ, बहुत अंदर से डिस्टर्ब हूँ। समझ नहीं आता है कि कैसे होगा, क्या होगा, या चीज़ों को कैसे करेंगे। मुझे कुछ नहीं पता यार, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, तुम्हें भी पता है। मैं बहुत प्रैक्टिकल हो करके डिसीज़न लेना चाहता हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल हो करके डिसीज़न लेता भी हूँ, तुम्हें ये भी पता है। बट मेरे अंदर का जो मन है ना, वो मेरे मन को कहीं ना कहीं बेचैन कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, अपने आप को मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ। बहुत कंट्रोल के साथ कोई भी चीज़ करता हूँ, कोई भी चीज़ बोलता हूँ तो बहुत कंट्रोल के साथ बोलता हूँ। मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि छुपा के रखना, अपने आप को बस ऐसे दिखाना जैसे कि कुछ नहीं हुआ है, चीज़ें ठीक हैं, नॉर्मल हैं, बात करने की इसके बारे में ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है मेरे साथ, लेकिन मैं नहीं कर पाता। पता नहीं क्या है वजह, वो चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा, या मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरी किस्मत ही ख़राब पड़ी है। मैं क्या ही करूँ यार, समझ नहीं आ रहा मुझे। चीज़ें इतनी गड़बड़ हो गई हैं, इतनी ख़राब हो गई हैं, इतना माइंड डिप्रेशन में जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। चीज़ें कहाँ ख़राब चल रही हैं, कैसे ख़राब चल रही हैं, कैसे ठीक होगा सब, कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है मुझे, कुछ भी नहीं। थोड़ा बहुत इधर उधर करूँ तो बहुत सारी कुछ चीज़ें बिगड़ जाती हैं। मैं किसी तीसरे से बात करना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी तीसरे की हेल्प लेनी चाहिए, इसलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैंने और भी लोगों से बात करी है, और भी मतलब अपने जो मुझे अपने लगते हैं ना, मैंने उनसे ही बात करी है, वो भी तुम्हारे बारे में ही बात करी है। मैंने तुम्हारे लिए बात किया है, मेरे मन में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी इश्यूज़ हैं, जितनी भी चीज़ें रही हैं ना, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने कही हैं, मैंने बोली हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बोली हैं, मैंने ऑब्ज़र्व किया है, बहुत सारी चीज़ों को मैंने ऑब्ज़र्व किया है। मुझे पता नहीं क्या क्यों ऐसा फील हुआ है कि मुझे अपने आप को थोड़ा बहुत कंट्रोल में रखना ही चाहिए। पता नहीं क्या है यार, लोगों की बातें हैं, लोगों की अपनी अपनी बातें हैं। जब लोगों की बातें भी सुनता हूँ तो मायूस सा हो जाता हूँ, क्योंकि लगता है कि यार सच में ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है। मुझे भी बड़ा अजीब लगता है, बड़ी अजीब अजीब चीज़ें होती हैं, बड़ा अजीब सा लगता है कि यार अपना हो करके भी मैं अपना नहीं बता पा रहा, या अपनी चीज़ें मैं खुद नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा, मुझे भी नहीं पता है। लेकिन अंदर से मैं बहुत टूट गया हूँ, अंदर से मेरे अंदर बहुत अकेलापन है, अंदर से मैं बहुत खाली हो गया हूँ। क्या करूँ मैं अपने आप को मैनेज करने के लिए, मुझे खुद भी नहीं पता है क्या करना है। मैं मैनेज कैसे करूँगा, क्योंकि मेरे अंदर जो उदासी है ना, जो खालीपन है ना, वो कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं समझ सकता, कोई समझ ही नहीं रहा यार, क्या करूँ मैं। अपने मन की बात भी कहना चाहता हूँ, लेकिन कहूँ तो कहूँ क्या। अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ, कहूँ तो कहूँ क्या। मेरे मन से, मेरे दिल से जो भी है आवाज़ निकली है, मेरे मन से, मेरे दिल से जो एक खालीपन जो है फील हुआ है ना, वो बहुत ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा है। मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा, मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा, अपने आप के साथ चीज़ों को मैं बहुत ख़राब कर चुका हूँ, ये तो मुझे पता है। ठीक है, मैं अकेला हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ। मैं उसे प्यार बहुत करता हूँ, मैं दिल से प्यार करता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने जितना भी अभी तक फेस किया है, ये अकेलापन, खालीपन, मैंने खुद में फेस किया है, मेरे अंदर से खुद से निकला है कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर का क्या है, मेरे मन का क्या है, मेरे मन में क्या है। मैं अंदर से बहुत अकेलापन फील कर रहा हूँ, ये अकेलापन मेरे मन से, मेरे दिल से जाता ही नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अपने आप में गुम हो गया हूँ, अपने आप में मैं बहुत ज़्यादा गुम हो गया हूँ। अपने आप को मैं बहुत शांत सा देखने लगा हूँ, बहुत शांत, इतना शांत कि अब जो है ना दिल से आवाज़ भी नहीं आती, ऐसा हो गया है। मैं बहुत प्यार करता हूँ उसे, ये इसमें तो तुम्हें भी डाउट नहीं होगा ना कि हाँ मैं उसे प्यार करता हूँ कि नहीं। मैं उसे बहुत 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 प्यार करता हूँ, प्यार इतना करता हूँ, इतना करता हूँ कि किसी से बता भी नहीं सकता।
है ना, इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ और इतना ज़्यादा उसके साथ कनेक्ट होकर रहना पसंद है ना मुझे। देखो, मेरे ऊपर बर्डन डाला गया है, मेरे ऊपर बर्डन डाला गया है, मुझे परेशानी में डाला गया है। आज मुझे अकेलेपन में क्यों छोड़ा गया है? क्योंकि मैं इसका साथ छोड़ दूँ, मैं इसका साथ छोड़ दूँ इसलिए मुझे मेरी फैमिली ने भी अकेला छोड़ दिया है। और मेरे ऊपर जो तनाव चल रहा है, जो भार चल रहा है मेरी फैमिली का, मेरे कुछ चीज़ों का, कि मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, क्यों है, कैसे है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि यार चीज़ें गड़बड़ है तो क्यों है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसी चीज़ें जो है तकलीफ़ वाली हैं, क्यों ऐसी चीज़ें जो है दर्द वाली हैं, मुझे ये सारी चीज़ें क्यों मुझे तकलीफ़ में डालती हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। मुझे ये समझ नहीं आता कि मेरे अंदर जजमेंट, यानी कि मेरे अंदर जो एक खालीपन है, या मेरे अंदर जो एक ईश्वर जो मुझे शक्ति दे रहा है सहने की, वो क्यों दे रहा है? क्या ईश्वर सही नहीं कर सकता? मेरा साथ आज कोई नहीं दे रहा है तो क्या समझूं मैं? क्या ईश्वर भी मेरे साथ नहीं है कि क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो भी है ना, मैं उसको दुआओं में मांगना चाहता हूँ, मैं उसे दुआओं में मांग रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी से, ज़िंदगी में बस यही चाहिए मुझे, बाकी कोई और नहीं चाहिए। किसी और में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे चाहिए तो यही चाहिए, बाकी कोई और नहीं चाहिए। ठीक है, चाहे उसके लिए जो हो, जो करना पड़े वो मैं करने को रेडी हूँ, लेकिन मुझे यही चाहिए। मेरे मन में जो डर है ना, वो डर निकल नहीं रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है वो डर, है ना। तो पता नहीं क्यों ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं, मुझे भी नहीं पता है, बट जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं बस ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो भी हो बेहतरीन हो, है ना। कभी जी मचलने लगता है, कभी जी बेचैन हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है। ठीक है, मुझे समझ नहीं आता कि क्या करना है। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, क्या कह रहे थे इनके जो दोस्त हैं, वो क्या कह रहे थे? डिवाइन प्लीज गाइड करें। सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, टेन ऑफ कप्स। एट ऑफ स्वॉर्ड्स। जस्टिस। टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में, ये पर्सन जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देख, तू फालतू की चीज़ें मत सोच। ठीक है, फालतू की चीज़ें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। फालतू की चीज़ें क्यों सोचना? तुझे अगर करना है, एक्शन लेना है, डिसीजन लेना है, तो तू लेना। तेरा एक्शन तू समझ सकता है, तेरा डिसीजन तू समझ सकता है। यहाँ पे कोई बाहर वाला नहीं समझ सकता, कोई दूसरा, तीसरा, चौथा कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं समझ सकता। ठीक है, तेरे मन की बात, तेरे दिल की बात, तेरे दिल की आवाज़ भी कोई नहीं समझ सकता, तेरे दिल की आवाज़ भी कोई नहीं सुन सकता। मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ, मैं इतना ज़्यादा तकलीफ़ में हो गया हूँ कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे कि कैसे होगा, क्या होगा। देख, तू ये वर्ड बोल रहा है ना, वो सारी चीज़ें सुन के मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ कि तू ऐसी चीज़ें क्यों बोल सकता है यार, कैसे बोल सकता है? क्योंकि तू दूसरों की बातों पे क्यों ट्रस्ट करता है जब तेरा है उसके साथ? तो तू दूसरे से क्यों बात कर रहा है, उसके बारे में क्यों पूछ रहा है, और वो लोग तुझे निगेटिव वाइब, निगेटिव चीज़ें बता रहे हैं, उसके ऊपर तू ट्रस्ट कर रहा है? ये भी तो हो सकता है ना, तुझे फंसाने की कोशिश हो रही है या तुझे धोखा देने की कोशिश हो रही है, तुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं वो लोग, ये भी तो हो सकता है ना। तेरे रिश्ते की पहचान सिर्फ तुझे पता है, बाकी किसी को नहीं पता है। तुझे आंकना पड़ेगा कि ये जो पर्सन है जिसके साथ तू डील कर रहा है, क्या वो तेरे लिए सही है, नहीं है, क्या है, क्या नहीं है, ये तुझे देखने का है। कोई तीसरा नहीं देखने वाला यहाँ पे, कोई तीसरा नहीं इन्वॉल्व होगा यहाँ पे। जो होगा वो तेरा ही होगा, खराब भी होगा तो तेरा होगा और अच्छा भी होगा तो तेरा होगा। ठीक है, ये तू मान ले।
क्योंकि तूने ऐसा किया है ना कि मतलब अनएक्सपेक्टेड है ये, अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है ना तूने यहाँ पे अपने आप में, अपनी लाइफ में जो है बर्बाद करके रख दिया है। देख, तुझे ट्रस्ट जो है ना यहाँ पे, ट्रस्ट जो है ना जीतना पड़ेगा। तुझे ट्रस्ट होना चाहिए, तुझे ट्रस्ट करना पड़ेगा, तुझे ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। तुझे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ तुझे कुछ टाइम के बाद जो है बाहर नहीं निकलना चाहिए, तुझे ये नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे लगता है ना कि तू जो है ना अपने आप में कहीं ना कहीं अपने आप में तू डिस्टर्ब रहेगा, अपने आप को कहीं ना कहीं तू डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, अपनी फैमिली को लेके चल, अपने आप को लेके चल। ठीक है, अपनी फैमिली को, अपने आप को लेके चलना ज़रूरी है, क्योंकि तू नहीं चलेगा या तू नहीं संभलेगा तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। ठीक है, तुझे खुश रहना है, दूसरे के बातों के ऊपर ट्रस्ट मत कर, तुझे खुश रहना है। तू जानता है कि वो तेरे लिए परफेक्ट है या नहीं है। ठीक है, बाकी किसी तीसरे से कोई मतलब नहीं है, किसी तीसरे का कोई कोई रोल नहीं है इस रिलेशनशिप में, कोई भी रोल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तू जानता है कि तू इस रिश्ते में क्यों है, बाकी कोई तीसरा नहीं। ठीक है, तुझे जो है यहाँ पे अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। तुझे पता है कि वो तुझसे प्यार करता है या करती है, बस इतना थाम ले। ठीक है, अपने आप को तू ब्लेम क्यों कर रहा है, अपने आप को तू इस तरीके से क्यों खड़ा कर रहा है कि तू ही गुनहगार है और तूने ही ये सब कुछ किया है या तूने ही बहुत सारी कुछ चीज़ें गड़बड़ करी हैं। क्यों, तू नहीं करता तो वो नहीं करती, या वो नहीं करता, करता ना, जो होना था वो तो हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें जो है पूरा ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। जो है वो तेरा है, जो नहीं है वो तेरा नहीं है। ठीक है, बात ख़त्म कर। यहाँ पे ये चीज़ें बोलने का ही, ये चीज़ें करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने साथ, अपनी लाइफ के साथ थोड़ा सा मैनेज करना सीखो, सीख करके देखो, जान कर देखो, बहुत कुछ जो है ना तुम्हें मिलेगा। ठीक है, जस्टिस की एनर्जी है जो कि बता रही है कि हाँ तुम्हें बहुत कुछ, बहुत कुछ, बहुत कुछ जो है ना देख सकते हो तुम, जान सकते हो तुम। ठीक है, तुम यहाँ पे अपने आप के साथ जस्टिस कर सकते हो, उसके साथ जस्टिस कर सकते हो। जो तुम्हें घुमा रहा है तुम घूम क्यों रहे हो, वो तुम्हें घुमा रहा है तो तुम घूम क्यों रहे हो, तुम्हें कोई घुमा रहा है तो तुम घूम जाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तुम्हें तो अपने आप के साथ मैनेज करना चाहिए, तुम्हें अपने आप के साथ बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि हाँ है भी कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए ना। वो तुम क्यों नहीं कर रहे हो, क्या कारण है, क्यों ऐसे कर रहे हो। टेन ऑफ पेंटिकल्स, अपनी फैमिली के सुन रहे हो, खुद की सुन रहे हो, भाई तुम किसकी सुन रहे हो, मुझे कोई आइडिया नहीं लग रहा है। तुम किसकी आखिर सुन रहे हो, किसकी तुम कर रहे हो, कोई आइडिया नहीं है। मन की बात, दिल की बात है ना, मन की बात, दिल की बात, जो भी करनी है ना, जो भी करनी है ना वो तुम करके देखो। ठीक है, मन की बात, दिल की बात जो है तुम करके देखो, और देखो फैमिली के जैसे बात करो। ठीक है, उसको फैमिली बनानी है या उसके साथ जो भी तुम्हारा बन सकता है, फ्यूचर तुम्हारा बन सकता है, तुम आगे की तरफ देखो, भगवान से मांग रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम इस दर्द में मत रहो। अपने आप को ब्लेम करना सबसे पहले कम करो, ख़त्म करो। ठीक है, और तब जो है ना अपनी लाइफ को सही तरीके से इंजॉय करो। ठीक है, वो ज़्यादा सही रहेगा तुम्हारे लिए, परफेक्ट रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी, रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज एस्ट्रो रूही चैनल पे कुछ अलग सा वीडियो आने वाला है, ज़रूर देखिएगा। और मेरा एक प्रेम मंदिर का ब्लॉग है तो आप लोग देखना चाहेंगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, इस चैनल पे या एस्ट्रो रूही चैनल पे, दोनों में से किसी चैनल पे जो है अपलोड कर दूंगी। ठीक है, जिसे आप देख सकते हैं प्रेम मंदिर है ना। तो प्रेम मंदिर कैसा है, क्या है, वहाँ मैं गई थी तो मैंने एक छोटा सा ब्लॉग किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं वो वीडियो। ठीक है, अगर इंटरेस्ट है आपको देखने में तो मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय श्री राधे राधे।